नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 600 हंड्रेड रेवोल्यूशन पर मिनट इज ब्रॉट अंडर यूनिफॉर्म डी एक्सलेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर टू मिनट्स सवाल है देन वॉट इज द एंगुलर डी एक्सलेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर नाउ नाउस्नैरियो ए कि आपका व्हील है पहले घूम रहा था आपकी ओमेगा नॉट से और उसके बाद में आपका रेस्ट पे आ गया सो so, अगर ये आपका व्हील घूम रहा है 600 हंड्रेड रेवोल्यूशन पर मिनट पे तो इसको हम थीटा कह सकते हैं एक पूरे चक्कर का दैट इज टू पाई मल्टीप्लाइड बाय 600 तो ये आपका आ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया और टाइम जो लगा उसमें वो आया वन मिनट यानी कि हो गया 60 सेकेंड्स राइट सो ओमेगा है जिसको हम लिखते हैं थीटा डिवाइड बाय टी आ, इसको हम ओमेगा नॉट बोलेंगे सो ये आपका इसकी वैल्यू आ गई सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टू पाए बाय सिक्सटी यानी ये जीरो कैंसिल हुआ सिक्स कैंसिल हुआ ये आ गया आपका ओमेगा नॉट टू पाई ट्वेंटी पाई तो इनिशियल ओमेगा नॉट आपका ये था अब यहाँ पे दो मिनट बाद ये आपका स्टॉप हो गया है विच मीन्स आपका ओमेगा फाइनल ज़ीरो हो गया है हमें बताना है अल्फा क्या हो गया ना एल्फा विल बी इक्वल टू तो उसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं फाइनल ओमेगा माइनस आपका इनिशियल ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन तो फाइनल ओमेगा आपका ज़ीरो हो गया और इसकी वैल्यू अपनी इनिशियल वैल्यू ट्वेंटी पाए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज़ टू मिनट्स यानी कि इसको हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी सो आपका अल्फा है उसकी वैल्यू हो गई ट्वेंटी पाए डिवाइडेड बाय टू ये कैंसिल होके इसकी वैल्यू हो आ जाएगी पाई बाय सिक्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका अल्फा हो जाएगा सो अच्छा ये माइनस साइन इसलिए आएगा बिकॉज इट इज़ शोइंग डी एक्सेशन अब हमें बता डी एक्सलेशन कितना होएगा तो so, उसका आंसर हो जाएगा आपका पाए बाय सिक्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया